हेलो माय ब्यूटीफुल्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी रचिता एंड यू आर वाचिंग दैट ग्लैम गर्ल रचिता। सो गाइस, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस एंड हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई अपलोड द वीडियोस यू कैन नोटिफाइड एंड यू कैन वॉच माय वीडियोस। सो गाइस, लेट्स क्विकली स्ट्रेट डाइव इनटू द वीडियो। मैंने आपके साथ हेयर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें शेयर की है, बट फिर भी ना मुझे लगता है कि जो जो चीजें मैं अपडेट कर रही हूँ अपनी लाइफ में अपने बालों के लिए, वैसे वैसे आपको भी अपडेट कर दूं कि हो सकता है आपको उसकी जरूरत हो, या फिर हो सकता है कि आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपकी ना बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी कि कैसे मैं अपने बालों की केयर करनी है और कैसे उनको लंबा कर सकते हैं। तो मैं आपको ना कुछ बताने वाली हूँ जिससे आपके बाल 100% लंबे होंगे ही होंगे। और ये जो तरीका है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है, सदियों का पुराना नुस्खा है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, बट इन अ एडवांस वे। आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि पहले तो बना लिया जाता था, हो जाता था। अब आज की डेट में हमारे पास बनाने का करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, हमको चाहिए होता है रेडीमेड मिल जाए। इसमें होनी चाहिए सारी खूबियां, केमिकल नहीं होने चाहिए और बिल्कुल नेचुरल होना चाहिए, सब होना चाहिए और हमारे को असर भी होना चाहिए। सो वैसी ही एक चीज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक हेयर ऑयल है मेरे पास जो आपके साथ शेयर करूंगी, और उसको आपको लगाना है रेगुलरली फॉर 30 डेज अगर आपको चाहिए विजिबल रिजल्ट्स। अगर आप उसको रेगुलर फॉलो नहीं करोगे तो वो थेरेपी ना आपके ऊपर काम नहीं करेगी। हाँ, थेरेपी वो ऑयल अपने आप में ही एक थेरेप्यूटिक ऑयल है। तो आपको ना अगर लंबे बाल करने हैं, बालों की ग्रोथ बढ़ानी है, हेयर लॉस कम करना है, अच्छे बाल करने हैं ना, तो आपको उसको थेरेपी की तरह यूज करना ही पड़ेगा। सो गाइज, मेरे पास ये है 7 डेज फील ऑफ नेचर का जोंक ऑयल। ये है 5000 ईयर्स ओल्ड वैदिक फॉर्मूला जो हमारे बालों के लिए ना बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आता है, मतलब आप ये समझ लो मैजिकल रिजल्ट लेकर आता है। बहुत बार होता है ना कि हमने काफी कुछ यूज किया होता है बट हमारे जो बाल है ना स्कैल्प पे, उसमें कुछ भी काम नहीं आ रहा होता है, तो उस कंडीशन में भी ना ये काम जरूर आता है। जो डेंड्रफ का इश्यू होता है ना, वो भी ना इससे चला जाता है। आप इसकी पैकेजिंग देखो गाइस, कितनी ज्यादा अच्छी पैकेजिंग है, ट्रैवल फ्रेंडली पैकेजिंग है, लीकेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यहाँ से आपको ओपन करना है, ऑयल लेना है और अपने बालों में लगाना है। कैसे लगाना है, क्या लगाना है, कब का लगाना है, सारी डिटेल ना मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बस आपको एज इट इज फॉलो करना है अगर आपको चाहिए 30 डेज में विजिबल रिजल्ट्स। मतलब वैसी जो होती है ना पंजन स्मेल होती है ऑयल की, वैसी नहीं है। इसकी पंजन स्मेल अच्छी है, आपको सूद करेगी, और ये ऑयल ना बिल्कुल ऐसा ना चिपचिपा वाला आपको फील नहीं देता। ऑयल है तो ऑयल की तरह ही रहता है, स्टिकी होता है, बट वैसा नहीं होता कि आप सोओगे, उठोगे, खाओगे, पियोगे तो आपको इरिटेट करेगा ऐसा, मतलब यू नो भारी भारी सा लगने लगता है बहुत सारे ऑयल लगा के। ये वैसा आपको नहीं लगेगा। बालों में ऑयल लगाने से क्या होता है, एक तो बालों को ना नरिशमेंट मिलता है, मॉइस्चराइजेशन मिलता है, स्कैल्प हमारा ड्राई नहीं रहता है, क्योंकि आपको पता है जहां भी ड्राइनेस होती है ना वहां से चीज क्या होती है, निकलने का डर रहता है। तो अब क्या होता है, अगर हमारी स्किन ड्राई होती है तो स्किन पील होने का डर रहता है, जैसे कि विंटर्स में होता ही है, तभी तो हम बार बार मॉइस्चराइजर लगाते हैं, लिप बाम लगाते हैं, जो हमसे बन पड़ता है हम सब कुछ करते हैं। सो हम बालों के लिए अपने स्कैल्प के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? अगर हमारे स्कैल्प ड्राई होगी तो बाल उस पर कैसे लगे रहेंगे, फॉलिकल से वो कमजोर हो जाएंगे और वो जड़ जड़ के गिर जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको मॉइस्चराइजेशन देना होता है ताकि बाल ना स्ट्रांग रहे, स्ट्रांग होंगे तो वो टूटेंगे नहीं होंगे तो आपको ना हेयर ग्रोथ विजिबली दिखाई देगी। ऐसा नहीं है कि हमारे बाल झड़ ही रहे और आने रहे, हमारे बालों की बिना अपनी एक साइकिल होती है, बालों की बिना एक लाइफ स्पैन होता है। तो जो पुराने बाल होते हैं वो टूटते हैं और जो नए बाल होते हैं वो आते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि हेयर फॉल जो होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो जितनी नई हेयर ग्रोथ हो रही है ना वो हमें दिखाई नहीं देती। अब आप सोचते हो कि हमारे ना यहाँ पे बेबी हेयर क्यों आ गए हैं। सो गाइस, बेबी हेयर आपकी नए हेयर ग्रोथ होती है, जिसको हम सोचते हैं यार ये तो अजीब लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं, इनको छुपा लो, इनको तोड़ लो, इनको काट लो। आप जो आपके बाल ग्रो हो रहे हैं आप उस पर तो ध्यान दे नहीं रहे हो, उसके साथ तो नेग्लिजेंस कर रहे हो, और जो टूट रहे हैं उन पे आप ज्यादा ध्यान दे रहे हो, तो उस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है। बालों का सबसे ज्यादा कनेक्शन होता है हमारे दिमाग से, मतलब टेंशन आपको नहीं लेनी है। बाल अगर टूट रहे हैं तो ठीक है, नए बाल आएंगे, उसके लिए आप कुछ करो, सिर्फ टेंशन लेने से तो बाल आपके आने वाले नहीं है। सो अगर आप यूज करते हो ना कुछ ऐसा जो आपके बालों को सच में अच्छे रिजल्ट देता है, वो आप फॉलो जरूर करो। और ये जो जोक ऑयल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो एंशियंट जमाने से लोग यूज करते आ रहे हैं, और अब जाके ना हमको मिल रहा है ये सेम चीज बॉटल के रूप में, जिसे लगाना भी बहुत आसान है और लेना भी बहुत आसान है। सो गाइस, अगर आपको इसे लेना है ना तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप चेक कर सकते हो। आपको ना बड़े ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस मिल जाते हैं और आपको ना ऐसा लगेगा कि हाँ ठीक है ये ले लिया, तो बैक टू बैक ना आपको यही यूज करना है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और डिस्काउंटेड प्राइस आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी ना महंगा ना मिले। 100 ml की क्वांटिटी है इसकी और प्राइस इसका 599, बट
चेक करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको मिलता है डिस्काउंटेड प्राइस। क्या करता है ना, हमारे हेयर फॉल को रिस्ट्रिक्ट करता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ा देता है, स्कैल्प को नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। किसी भी टाइप का ना कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो बालों को नुकसान पहुंचाता है या बालों की ग्रेइंग करता है। इसमें ना बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे बालों का ख्याल रखते हैं, स्कैल्प का ख्याल रखते हैं, स्कैल्प में ना ब्लड सर्कुलेशन को भी अच्छा बनाए रखते हैं। जब स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है तो बाल तो ग्रो करेंगे ही ना, बालों को स्ट्रेंथ तो देता ही देता है, साथ ही साथ जो ग्रेइंग हेयर होती है ना, प्री मेच्योर हेयर ग्रेइंग होती है, उसको भी ना स्टॉप कर देता है। काश ये चीज ना मुझे पहले कोई बताया होता तो मैं इसको यूज जरूर करती, बट मैं तो इसको यूज कर ही रही हूँ। हो सकता है कि आप अभी उस एज में जहाँ पे आपको प्रीमेच्योर हेयर ग्रोइंग स्टार्ट हो गई हो, तो अभी टाइम है गाइस, अभी यूज करना स्टार्ट कर दो। आपके बालों को ना बहुत ज्यादा ना शाइन और लस्ट्रस बना देता है, काफी खूबसूरत बाल हो जाते हैं आपके। लगाने का तरीका तो आई एम श्योर आपको पता है कि जैसे आप लगाते हो ना वैसे ही लगाओ, बस आपको लगाना है ओवरनाइट और मॉर्निंग में उसको वॉश कर दो। ज्यादा देर तक आपको ऑयल नहीं रखना होता है, ओवरनाइट काफी होता है। और सबसे बड़ा जो प्रो टिप है ना, ऑयल लगा के आपको बाहर नहीं जाना। जब भी आप ऑयल लगा लेते हो ना तो आपके स्कैल्प में सब जगह ऑयल रहता है, और अगर आप बाहर जाते हो तो जितनी भी डस्ट होती है ना सब अट्रैक्ट कर लेते हैं हमारे बाल हमारे स्कैल्प। तो क्या होता है कि वो बहुत ज्यादा ना डस्ट का ग्राइम्स का बिल्डअप बन जाता है, जिससे फिर अगेन फॉलिकल्स कमजोर हो जाते हैं, बाल टूटने लग जाते हैं। और आप सोचते हो कि यार ये यूज किया असर नहीं हुआ, वो यूज किया असर नहीं हुआ। सो हर एक चीज को यूज करने का एक तरीका होता है, टाइम होता है, और जैसे आपको बताया वैसे ही इसको यूज करना। अब देखा जाए तो इसके ढेर सारे बेनिफिट्स होते हैं, और वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स बड़े ज्यादा अच्छे अंदर पाया जाता है। जटामासी, कड़ी पत्ता, हीना, आंवला, कलौंजी, हाइबिस्कस, नीम एंड नगर केसर, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स ना मिलके हमारे बालों में ना जो हेयर लॉस होता है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, बालों में बहुत ज्यादा ना शाइन लाते हैं, सॉफ्ट बना देते हैं, और जितना भी डैंड्रफ होता है या जुओं की प्रॉब्लम होती है उसको भी हटा देते हैं। बाल ना टूटते नहीं है, बालों में ब्रेकेज नहीं होती, डैंड्रफ नहीं आता, रफ हेयर नहीं होते हैं, हमारे बालों की थिनिंग नहीं होती है, डल नहीं होते हेयर, और वो ऐसे उलझे उलझे से आपको फील नहीं होते, और स्प्लिटेंस का भी जो इशू होता है ना वो भी चला जाता है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फैक्टर्स लाइक lifestyle, underlying health issues, stress and a diet that lacks essential nutrients contribute to hair problem like hair fall, dandruff, hair graying. But coil or leech out has found out to be the miraculous therapy for all hair issues, especially hair fall. It has been found to support hair growth and even regrow hair by increasing blood circulation in bald patches, which makes it popular remedy for conditions such as alopecia. So guys, I hope कि आपको alopecia के बारे में तो पता ही होगा। alopecia मतलब हमारे बालों में ना जहाँ पे सर पे उस सफेद सफेद पैचेस बन जाते हैं, baldness के जो पैचेस होते हैं ना उसको alopecia बोलती है, उसको भी दूर करता है। सच में इतना ज्यादा अच्छा है ना, मैं आपको बताऊंगा ancient जमाने में ना डायरेक्टली ना लीच को लेकर जो झोंक होती है उसको लेकर ना बरके से थेरेपी कराई जाती थी, बट आजकल की डेट में वो थेरेपी हम नहीं कर सकते। इसके लिए ना गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप इसको यूज करो, ताकि आपको ना इसके विजिबल रिजल्ट्स मिले। दिस इज ऑल अबाउट दी झोंक ऑयल और बाल आपको कैसे बढ़ाने हैं, कैसे लंबे करने हैं, डेंडर कैसे हटानी है, रफनेस है, डलनेस है, कैसे बालों को स्कैल्प को आपको मजबूत रखना है, सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। सो गाइस फटाफट से चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, और फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे बाद में किसी नए वीडियो के साथ, तब तक मैं टाटा बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।